हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सालूस कॉर्नर में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की कृपा से मैं भी एकदम मस्त और स्वस्थ हूँ। हो गई है मॉर्निंग और मॉर्निंग टाइम ग्रीन फील्ड कुछ इस तरह से लग रही है देखने में। वाह वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। चार पांच दिनों से मम्मी घर में नहीं हैं, जिसकी वजह से हम बुफेलोज का सारा वर्क सीख गए थे। बस एक काम था, मट्ठा बनाना, जो कि मुझे नहीं आता था और आज फर्स्ट टाइम हम मट्ठा बना रहे हैं। सारा काम घर का तो किसी न किसी तरीके से हो जाता है, लेकिन जो मट्ठा है ना, वो बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मशीन होती तो कोई बात नहीं रहता, मशीन लाइट में लगा दो, आराम से आधे घंटे में सब कुछ हो जाता है। लेकिन अभी हाथ से मारना पड़ रहा है मट्ठे को। तो मम्मी मेरी ना 20 की स्पीड में मट्ठा बनाती थी, लेकिन मैं अभी बना रही हूँ 100 की स्पीड में। और अभी हमारा जो मट्ठा है वो बनके रेडी हो चुका है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है ना कि मैं मट्ठा भी बना सकती हूँ। और इसमें से हम घी निकालने जा रहे हैं। मैंने थोड़ा बहुत हेल्प अपनी चाची से ली थी मट्ठा दिखा के कि इसको कैसे गर्म करना है, कैसे मारना है इसको। तो चाची ने सब कुछ मुझे बताया था, थैंक यू चाची जी बताने के लिए, क्योंकि बगल में है चाची और चाची मिल्क को भी लगाती हैं। तो मतलब मम्मी बाहर गई है ना, तो मेरी चाची मेरे लिए समझ लो बहुत बड़ा काम करती हैं मिल्क लगा के, नहीं तो फिर प्रॉब्लम ही होती। फिर मम्मी इतने दिन ना रह पाती दीदी के पास। तो अभी हम मक्खन निकाल रहे हैं मट्ठे से। अभी मैंने ना मट्ठा से जो है, मतलब दही से मैंने घी निकाल लिया है और मुझे पहली बार मैंने निकाला है ना, तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है। पहले तो हम सोचे थे कि इकट्ठा करके रख दें, तो मम्मी आएंगी तो अपना मट्ठा ठमारेंगी आराम से। तो फिर मुझे लगा कि मम्मी पता नहीं कब आएँ, और जब आएँगी तो फिर उनको भी ढेर सारा वर्क रहेगा। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ट्राई करूँ, और मैंने ट्राई किया। फाइनली ये देखो घी भी निकल आया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मट्ठा भी मारने लगे। मम्मी ने सारा काम सिखा दिया चार दिन बाहर रह के। बचपन में ना, जब छोटे छोटे रहो तो कितनी शौक होती है ना कि जब नई ड्रेस पहनते हैं तो सभी को दिखाने जाते हैं। फिलहाल ये शौक ना मुझे अभी भी है। हम जब ड्रेस नई पहनते हैं ना, तो सभी के पास जाते हैं दिखाने कि मेरी ड्रेस कैसे लग रही है। मैंने मट्ठा बना के रखा नहीं घर पे, मैंने तुरंत दे दिया भाभी के यहाँ गांव में। तो उनके यहाँ बच्चे हैं, जिसके यहाँ मट्ठा वट्ठा होता नहीं है ना, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और हमारे यहाँ मट्ठे की तो वैल्यू ही कोई नहीं है, वो जैसी मम्मी बनाएंगी कोई खाने वाला नहीं है। तो काफ़ी दिनों से आटा पिसा के रखे थे बाहर ही, तो हम उसको भर के अभी रख दिए हैं किचन में। और आज हमने बनाया है चावल फ्राई, और इसको अभी आलू का पराठा बनाने वाले हैं। लेकिन आलू का पराठा भी हम थोड़ी देर में बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो घर है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, जिसकी वजह से मुझे ना हर जगह बहुत गंदा गंदा फील होता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना ही आज हम साफ़ कर दें इसको, क्योंकि जब तक साफ़ नहीं करेंगे ना, तब तक बहुत 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 ख़राब लगता है मुझे। अभी मैंने अलमारी साफ़ कर लिया है और बहन जी लगा रही हैं पोछा। तब तक हम नहा लेते हैं और उसके बाद खाना बनाते हैं, क्योंकि बज गया है 11 और हमारे यहाँ भी खाना नहीं बना हुआ है। तो भाई अभी हम नहा धोकर आ चुके हैं अपनी किचन में, और एक तरफ हमने चावल फ्राई सुबह ही किया था तो उसको हम गरम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बना रहे हैं पराठा। और मैंने पापा को फ़ोन कर दिया है कि हम खाना बना रहे हैं, आप आइए जल्दी से, क्योंकि गर्मा गर्म खाने में अच्छा लगता है। और मेरे पापा ना 2 बज जाते हैं तो खाना खाने नहीं आते हैं, इसकी वजह से मैंने पापा को बुला लिया है। पापा आ भी गए हैं, मैंने पापा को खाना भी दे दिया है और अभी हम बना रहे हैं पराठा।
अभी मेरी सिस्टर और मेरे पापा दोनों लोग खाना खा रहे हैं और हम बना रहे हैं पराठा। हमारा जो है वो बन के रेडी हो चुका है और हम बना रहे हैं रोटी, क्योंकि डॉगी भी है हमारे यहाँ तो सुबह शाम दोनों डॉगी को भी दिया जाता है रोटी, तो इसके लिए बना रहे हैं। उसके बाद हम भी चलते हैं खाना खाने, क्योंकि भूख बड़ी ज़ोरों से लगी है और बज रहे 11:30-12। तो हमने लिया है एक में मट्ठा, आज हमने दही नहीं लिया है, मट्ठा ही लिया है, पराठा लिया है, चावल फ्राई लिया है, मट्ठा लिया है और खाते हैं, क्योंकि आलू का पराठा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली लोगों को अच्छा लगता है आलू का पराठा। जल्दी जल्दी से खाना खा लें, उसके बाद अभी हमें कपड़े भी धुलना है ढेर सारा, क्योंकि मम्मी नहीं है तो पापा का कपड़ा भी धुलना है और हमारे भाभी भी नहीं है, जिसकी वजह से भैया ने भी एक सेट अपना कपड़ा दे दिया है। मतलब अब हम अभी तक बुफैलो का चारा पानी दे ही रहे थे, अब हम धोबी भी बन गए हैं, तो अभी हम चद्दर भी धुल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चद्दर था वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। हम सोचे थे मम्मी आएंगी धुलेंगी अच्छे से, लेकिन मम्मी नहीं आई तो मुझे ही धुलना पड़ा। मुझे सारे काम अच्छे लगते हैं, बस दो तीन काम को छोड़कर। एक मुझे बर्तन धुलने में नहीं अच्छा लगता और एक मुझे कपड़े धुलने में नहीं अच्छा लगता, और झाड़ू तो मैं लगाती हूँ चाहे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे ये दो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हम बोर हो जाते हैं इसको करते करते। और शायद हम अपनी लाइफ में इतने बड़े हो गए हैं, मुश्किल से 2 या 3 बार फंसे हुए हैं कपड़े धुलने में, जैसे कि आज फंसे हुए हैं। फ़िलहाल ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो फिर अभी हम जल्दी जल्दी से इसको धुलते हैं। अगर मुझे घर में कोई कपड़े धोने के लिए बोलता है ना, तो हम बोल देते हैं अपना काम स्वयं करो, हम अपना काम करें और आप लोग अपना अपना काम करो। कपड़े धोने में जल्दी से नहीं धोते, लेकिन अगर कोई बड़ा बोलता है ना तो उसे ना नहीं कर पाते हैं। अभी कपड़े को जल्दी जल्दी धोकर फैलाएं, उसके बाद हो जाएगा बुफैलो बांधने का टाइम, चारा पानी दो। और आज तो मैंने एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है भैया की बुफैलो को बांधने का, तो आज मुझे उनकी बुफैलो को चारा पानी देना है। और उनकी जो बुफैलो है ना वो एकदम से बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और उसका जो बेबी है ना वो और ही हरामी क्वालिटी का है, तो देखते हैं कि मारती है और मार खाते हैं, बचते हैं कैसे बचते हैं। अभी हम जाएंगे चारा देने उनको, और अभी हम कपड़े फैला के बैठ गए हैं थोड़ा सा पढ़ाई करने। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।